ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में. ओके, क्या क्या राइट्स होते हैं, कहाँ पे इसका कानून दिया गया, यानी कि सारा कुछ जो भी डाउट्स होते हैं लोगों के मन में. ओके, आपको बड़ी लगी रहती है ना कि लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे वगैरह वगैरह. ओके, तो उसकी ना रियलिटी जानो. ओके, हर चीज़ की ना हमें रियलिटी पता होना चाहिए. अब ये नहीं किसी ने कह दिया कि हमारे इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप होता है तो भाई रहने लग गए. ओके, एक लड़का एक लड़की रहने लग गए एक साथ. ओके, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी भी होनी चाहिए, राइट्स होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है. ओके, एक्चुअल में क्या एग्जिस्टेंस करता है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया में कोई भी अभी तक लिव इन रिलेशनशिप के लिए पर्टिकुलर लॉ नहीं है. ओके, आर यू गेटिंग, कोई भी पर्टिकुलर लॉ नहीं है, पहली बात. सेकेंड बात, आप 18 से ऊपर हो, 21 से ऊपर हो, मेजर हो, ठीक है, आप एक साथ रह रहे हो. सपोज आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना, सपोज लड़का और लड़की एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं. ओके, बिना शादी के. ओके, बिना शादी के एक साथ रहना, उसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं. ठीक है, कल को आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना. ओके, तो जो लड़कियां ना, लड़कियों के बारे में बता रहा हूँ, तो लड़कियां कोई मेंटेनेंस नहीं ले सकती कि भाई मैं तेरे साथ रही, मैं तेरे साथ वाइफ की तरह रही, तो मुझे मेंटेनेंस दे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. ओके, कहीं नहीं लिखा हुआ. नहीं आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते. ओके, यहाँ हस्बैंड वाइफ में नहीं होता इतनी जल्दी, तो आप में तो कैसे होगा. ओके, जब हस्बैंड वाइफ को ही नहीं मेंटेनेंस मिलता शादी के बाद, मुश्किल से मिलता है, तो आप तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो ना. ओके, तो पहली बात तो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला है, इस केस में ये बोला है कि जो मैरिज है, जो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, वो एक तरह से वैलिड मैरिज है. ओके, बस कहा है, अब पर्टिकुलर लॉ नहीं है कहीं भी. ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंटेनेंस मिलेगा, बस इसको बोला है कि वैलिड मैरिज है, और इस केस में बोला है कि ये इलीगल नहीं है. यानी कि इलीगल नहीं है, कहने का मतलब इलीगल नहीं है, लीगल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रहे हो वगैरह वगैरह. अब मैं आपको लिव इन रिलेशनशिप का एक नुकसान बताता हूँ. देखो, सोसाइटी में तो बेइज्जती होती है, वो तो चलो देखी जाएगी. ओके, कल को अगर आपके लिव इन रिलेशनशिप में रह के, यानी कि बिना शादी के रहते हुए बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को प्रॉपर्टी में राइट है, किसकी, हस्बैंड की, वो क्लेम कर सकते हैं. ओके, क्योंकि इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो, उनको राइट होता है अपने पिता की संपत्ति में अधिकार. ओके, तो उनको मेंटेन करने का हक हो जाता है. ओके, अदरवाइज वाइफ का हस्बैंड का कोई वो नहीं है. अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और वाइफ, वो जो लड़की है वो चली जाती है, तो आप सेक्शन 9 नहीं डाल सकते, कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है, और ना ही हमारे पास कोई पर्टिकुलर लॉ. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर.